ये मेरा छोटा सा चूल्हा है, ये है मेरा प्यारा सा टेंट, प्यारा सा खाना बनाऊंगा। आहा, आज आलू भी नसीब में मिलेगा। खाना बन रहा है, चलिए आप खाने की देर है। ये आज का स्पेशल मेनू है, आज की ताजा खबर, आज का स्पेशल मेनू आलू भाजी। इसका स्वाद परमात्मा की शक्ति से भरपूर है। ऐ जिंदगी, 4 बजे से मैं ऐसे ही बैठे हूँ पानी के अंदर। इट्स ब्यूटीफुल, नहीं है मैं श्योर हूँ कि इस जगह में कोई कभी आया नहीं है। ये मेरा छोटा सा चूल्हा है, अंधेरा हो गया है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ पे एक पत्थर का थोड़ा खड्डा था, उसके दो तरफ दो पत्थर लगा दिया तो एक छोटा सा चूल्हा बन गया है। और ये लकड़ी मैं इधर उधर से ला चुका हूँ। और वो है मेरा प्यारा सा झरना, और ये है मेरा प्यारा सा तालाब। आप लोग भी आ जाइए, एक साथ खाएंगे, प्यारा होगा, हम गारंटी देते हैं। जो भी खाए, चावल है, थोड़ा सा डावल है, उसको बॉयल करेंगे, और उसके साथ मेरा मम्मी ने मुझे प्यार से दो खीरा दिया था, वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि प्यार से दिया था ना मम्मी, वो मैं आज खाऊंगा। चलिए, और हाँ थोड़ा सा केरोसिन है, अगर चूल्हा जलने में शायद दिक्कत नहीं होगा, फिर भी जलने में दिक्कत हो तो ये थोड़ा सा केरोसिन है, मैं यूज़ करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग साथ में रहिए। कितना प्यार से छिल रहे हैं, थैंक यू मैडम जी। और इसके साथ प्याज है, और क्या है, मिर्चा भी है, और यहाँ पे नींबू भी है, और क्या चाहिए भाई, ऊपर वाले ने तो सब दे दिया, सब कुछ बिन मांगे मिल गया यार। मैंने आग जला दिया है, ये पूरी तरह के जलने के बाद ही हम खाना पकाएंगे। आग बहुत जोर से जल गया है, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा तो पेट पूजा भी जल्दी होगा। खत्म होने को आया ये राइस, इतना आग हुआ हो गया कि राइस बहुत जल्दी बॉयल हो गया है, एक सीटी लगा दिया है। अब खाने की देर है, रोज खा रहे हैं लेकिन आज थोड़ा बढ़िया खाएंगे, आपको बोले थे ना। देखिए प्याज भाजा, उसके साथ ये आलू, और ये है मिर्चा, सर्व एक साथ भाजी होगा राइस के साथ। पर आज की ताज़ा खबर जी, आज का स्पेशल मेनू आलू भाजी, आलू भाजी और राइस, आलू भाजी और राइस। स्पेशल कितना हो सकता है, देखिए आलू भाजी कंप्लीट, राइस कंप्लीट, उसके साथ आलू चोखा, भाई आज तो बात ही बन गया भाई, क्या होगा पता नहीं है, कितना मैं खाऊंगा ये भी पता नहीं है, लेकिन राइस थोड़ा कम है। राइस दाल के साथ आलू चोखा, आलू भाजी, ये थोड़ा सा जल गया है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है, और ये है थोड़ा सा ऑनियन, और क्या चाहिए यार। ऐ जिंदगी गले लगा ले, मैं अपना 5-स्टार होटल में घुसने वाला हूँ, यह है मेरा 5-स्टार होटल, और यह है मेरा पानी का डिब्बा। चलिए 5-स्टार होटल के अंदर थोड़ा गपशप करते हैं। ये मेरा 5-स्टार होटल है, मैं गान सुन के सो जाऊंगा, उससे भी पहले से
बारिश शुरू हो गया है और हवा भी बहुत जोर का चल रहा है, बहुत जोर का हवा चल रहा है और बाहर बहुत बारिश हो रहा है, तो अंदर थोड़ा पानी भी घुस गया है। देखिए मैट भी भीग गया है मेरा। यहाँ पे थोड़ा खड्डा था पत्थर के में, पूरा टेंट के अंदर एक साइड में पूरा पानी ही पानी। एनीवे चलिए, बारिश थोड़ा सा कम हो गया, हम बाहर निकले। वाओ, नज़ारा कुछ ऐसा है बाहर का। बाजू में एक घना जंगल है, यही वो जगह है। कल रात को मैंने यहाँ पे खाना पकाया था, सब लकड़ी भीग गया। सोचा था जो चावल बचा है इसमें वो सुबह गर्म करके खा लेंगे, कोई बात नहीं, ठंडा ही चलेगा, ठंडा लग रहा है बहुत। सामने एक झरना है और ये है तालाब, वो मेरा टेंट दूर में। और यही वो झरना है जो टेंट से दिखाई देता है, टेंट के सामने है। आप लोग टेंट देख रहे हो ना, मैं वहां पे था रात भर। हेलो, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है, मैं श्योर हूं कि इस जगह में कोई कभी आया नहीं है। आप लोग यूं ही साथ में रहेंगे ना तो और बहुत कुछ करने वाले हैं हम। यही है वो जंगल जहाँ से लकड़ी लिया था कल रात को, ये जंगल ने मुझे खाना पकाने में मदद किया। एकदम नीचे तक दिखाई दे रहा है, छलांग मार दूं। कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। ये देखिए कल रात का बचा हुआ खाना, बहुत बढ़िया और टेस्टी, बहुत टेस्टी भी बन गया है। गरम नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ये
बहुत टेस्टी बन गया है, ये मैं अभी खाने वाला हूँ। मेरा सामान रात को थोड़ा थोड़ा भीग गया था, थोड़ा धूप में सुखा रहा हूँ। और ये लाइट चार्ज में बिठा दिया है, इसमें सोलर है। बारिश की वजह से थोड़ा देरी हो गया। खाना ना पड़छू, इसे अच्छी तरह प्यार से धोना भी पड़छू। अब जाने की बारी है, इच्छा नहीं कर रहा है जाने के लिए, क्योंकि जाना तो पड़ेगा यहाँ से। फिर नया जगह जाना जो जाना है वहाँ पे भी इच्छा नहीं करेगा जाने के लिए। ये फूल के पूरा टाइट बन गया है ठंडे में। ये जब खोलेंगे तो ये बोलेगा, ले मैंने तुझे हवा खिला दिया, अब देख नीचे दो चार पीस पड़ा होगा वो भी खा ले।